नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सप्तक और बेलसंड की तस्वीर है। लगातार बेलसंड में बाइक चोर गैंग सक्रिय हो चुका है। फिर से एक घटना हुई है, आज फिर से एक बाइक चोरी हो गई है। 16 तारीख को एक गाड़ी महज थाने से 20 मीटर आगे स्टेट बैंक के पास से एक गाड़ी चोरी हो गई। और फिर से आज 19 तारीख 19 तीन दिन के भीतर दो गाड़ियों का एक ही थाना क्षेत्र से चोरी हो जाना यहाँ के प्रशासन की कार्यशैली पे कहीं न कहीं सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। वहीं कहीं चोर पुलिस को चैलेंज भी कर रहा है। सीधा हम चलते हैं उस पीड़ित के पास जिनकी गाड़ी इसी प्रखंड कार्यालय से आज चोर आए, बड़े आराम से आए हैं, रेकी किए हैं, गाड़ी में चाबी लगाया है और श्रीमान जो हमारे साथ खड़े हैं इनका हेलमेट भी लगा कर निकल चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? रामशंकर पांडे। कहाँ मकान है? मकान है बेलसंड खुर्द। बेलसंड खुर्द वार्ड नंबर 11। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी करते हैं। कैसे आए थे यहाँ? आवासीय बनवाने आए। फिर क्या हुआ? भीतर गए ऑफिस में। कितने बजे की बात है? लगभग वही 12 बजे की बात है। तो फिर क्या हुआ है? आए हैं गाड़ी लगा के, अपना कागज वगैरह लेके भीतर जमा करने गए। इसके बाद में क्या हुआ है, जो फिर लौटे हैं उधर से 5-7 मिनट में आए हैं तो गाड़ी नहीं, तो गए थाना पर गए हैं तो कहें थाना प्रभारी जी चलिए आ रहे हैं। तो फिर कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद वो आए हैं, लगभग 45 मिनट 50 मिनट के बाद। आप टेलीफोन किए? घटना कितने देर बाद आपने प्रशासन को फ़ोन किया? मुश्किल से, यहाँ नहीं थी गाड़ी बाइक, तो हम फिर वहाँ गए हैं बोले हैं प्रभारी को, तो बोले चलिए आ रहे हैं। आप जाके वहाँ थाना पे बोले हैं? टेलीफोनिक फोन बात नहीं जी? ना, टेलीफोनिक नहीं। फिर क्या हुआ? तब वो बोले हैं जो आ रहे हैं तुरंत, लेकिन आए हैं 40-45 मिनट बाद। वो बाहर फ़ोन किए हैं वहाँ 112 नंबर पर, तो फिर आने में देर की है पुलिस, इसके चलते ही कहानी हुई। वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, जनप्रतिनिधि आए तो कैसे आए, जाए तो कहां जाए, जहां भी जाए वहां से गाड़ी चोरी हो जाए। बेलसंड थाने की महज 20 मीटर की दूरी से इनकी भी गाड़ी 16 तारीख को, आज 19 बीते 16 तारीख को इनकी भी गाड़ी गायब हो गई है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। आपके साथ जो बाइक चोरी की घटना हुई, कैसे हुई? देखिए, मेरा बाइक चोरी की घटना हुई है, इसमें क्या बताया जाए, इसमें हमको जो तो लगता है कि SBI का जो BM सर है उसका भी लापरवाही है। उसका CCTV फुटेज में भी देखा गया है तो डेट का हेरफेर है, टाइमिंग का हेरफेर है, ऐसा क्यों रखे हुआ है? स्टेट बैंक का जो है, बैंक का जो CCTV फुटेज, CCTV कैमरा है, उसका भी तारीख और घटना हुआ 16 को, वहाँ पे चेक करने गए तो वहाँ पे 13 तारीख दिखा रहा है। 61 मिनट का अंतराल है। सुन लीजिए, स्टेट बैंक के मैनेजर साहब अगर इस खबर को देखेंगे तो जरा आपके लिए भी सवाल या निशान है। बैंक की सुरक्षा के लिए, बैंक में आने वाले ग्राहकों के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं हो, इसके लिए लगाया गया है। लेकिन हमारे साथ जिब्रील साहब हैं जिनकी गाड़ी चोरी हुई है बेलसंड स्टेट बैंक के सामने से ही। उनका कहना है CCTV का जो फुटेज का जो टाइमिंग है, स्टेट बैंक के कैमरे फुटेज का जो टाइम है, बाकी अन्य दो कैमरों के फुटेज का टाइम का अंतराल है और दिनांक भी बदला हुआ है। घटना 16 का है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक कुछ हमको तो लगता है उसका भी मिली भगत रहता होगा, जो बार बार कहीं चोरी हो जाता है, गाड़ी चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है। BM सर का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ मेरे समझ से है, क्योंकि वो बहुत बड़ा जिम्मेदार CCTV वहाँ पे है, वहाँ पे उसको तो ऐसा संभव कैसे? आप देखे हैं हम ना, हमने देखा है, मेरे पास वीडियो भी है उसका है, वीडियो भी है मेरे पास, उस टाइम हम उस दिन बात भी किए हैं। नहीं, सबका टाइमिंग आपको क्या लेना देना है? अच्छा, मेरा घटना हुआ, अगर मान लेते हैं कि 12:40 पे घटना हुआ, वहाँ 11:39 पे दिखा रहा है, तो हम कैसे खोजेंगे? अगर 2 दिन के बाद जाते, 1 दिन के बाद जाते तो और दिक्कत हो जाता ना, कैसे पता चलता कि जो मेरा इस तरह का, उसमें तो आता ही नहीं ना, नहीं आता। दूसरी बात है कि थाना का भी बहुत कोई बड़ा सहयोग नहीं है, FIR कर दिया है, जाकर के सो गया हुआ है, पूछने जाते हैं तो हमको कहते हैं कि थोड़ा कुछ बताइए ना। ऐसा ना
क्या करेगा, उसको तो अपना समझ होना चाहिए कि मेरे थाना के सामने से चोरी हो गया है। पुलिस आप ही से पूछता है क्या, छोटा जनप्रतिनिधि या बड़ा जनप्रतिनिधि या कोई आम पब्लिक हो, इस तरह से घटना होगी तो उनका शर्म की बात है कि जो अभी तक उसको कोई कार्रवाई करने का सोचबो नहीं किया है, FIR करके छोड़ दिया है। पुलिस तो काम कर ही रही है, अब क्या कर रही है कैसे पता चलेगा। अगर काम करती तो वहाँ से मेरे जो गाड़ी जब चोरी हुआ है तो CCTV बता रहा है कि बेलसन मार्केट की तरफ गया है, तो बेलसन मार्केट की तरफ कहीं वो CCTV लगा हुआ है, वहाँ से उनको देखने का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि किस रूट पे गया है, कहाँ गया है, किस एरिया का हो सकता है, इस पर तो उनको काम करना चाहिए ना। अब जाएंगे 15 दिन के बाद पता चलेगा कि उसका जो भी रिकॉर्ड है खत्म हो गया, क्या है फालतू है, जाने दीजिए। तो क्या कहना चाहेंगे जो अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, इस तरह से काम नहीं करनी चाहिए, प्रशासन पर लोग भरोसा करता है, भरोसे पर उनको उतरना चाहिए। तो सीधा सीधा सवाल प्रशासन से है, और जनप्रतिनिधि है, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनके साथ ही अगर इस तरह से इंसिडेंट हो जाए और उसमें भी पुलिस सक्रिय न हो तो इससे साफ जाहिर होता है कि बाकी आम जनमानस का क्या हाल होगा। यहाँ कुछ और भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश है। कहाँ मकान? ये लगातार चोरी हो रही है, प्रशासन भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है, क्या कहेंगे? हम भी तो अभी आ रहे थे मोटरसाइकिल से, लड़का बोला है हम साइकिल से आया कि भाई अभी चोरी के डर से आए हैं, साइकिल से आए हैं, ऑफिस में काम है, क्या करना। क्या नाम सर आपका? आप यहाँ बाइक से आते हैं? नहीं, हमको तो बाइक का चाबी भी नहीं घुमाने आता, कैसे घुमाए। चलिए अच्छा है, इस पे क्या कहेंगे, लगातार चोरी हो रहा है, लगातार चोरी हो रही है, तो प्रशासन किसको पकड़ रही है? मान लिया कोई भी ये हो बाइक से जा रहे हैं रोड पकड़ के, तो हेलमेट कहाँ है, तुम्हारा गोड़ में जूता कहाँ है, चमड़ा का है, मास्क कहाँ है, ये किस लिए, मनी के लिए दे दे। हो गया, हम इससे भी से क्या कर सकते हैं, यानी आपका कहना मतलब है पुलिस जो है सड़क पे जो है बस वैसे क्यों गाड़ी कर रहा है? हां, अब वो टीम बनाए हुए हैं, फलाने जगह सुबह निकलेंगे, इतना बजे तक मतलब कि बाइक वाले को पीछे ऊपर रखते हैं, मैं देख रहा हूं, एक मिनट, हमारे यहां स्कूल का बोरा चावल का यहां से वाले छीटा हुआ है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, नया बुलेट लगा हुआ है, उसके बाद मतलब कि थाना को खबर हुआ तो नहीं आए। हमारे बात कर रहे हैं चंदौली पंचायत को बात कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रमुख SP को जब लगा दिए, इसको खिचैया हुआ है, SP सभी गया है दौड़ के थाना पर, थाना पर कौन भरोसा है, पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहा है कि आज के दिनों में मूर्ति भी मंदिरों से गायब, एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है, दूसरे तरफ कंसार चंदौली इन मंदिरों से मूर्तियाँ भी गायब हो, और अभी तक पुलिस हमको नहीं पता है कि कहीं कोई बरामदगी आज तक, तो जब ऐसे ऐसे अपराध की स्थिति है तो इस सब को तो ये लोग सामान्य रोज नाम क्या दूसरे हैं।